नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा अर्थात इंट्रेंस के लिए BA सोशल साइंस पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उत्तर सहित लेकर आया हूँ। अगर आप BHU BA सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे आपको BHU इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर समय 2 घंटे दिया गया है। प्रश्नों की संख्या 180 है, लेकिन आपको 150 प्रश्न करने हैं। टोटल 450 पूर्णांक है। इसमें 2 खंड हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। खंड 1 में 120 बहुविकल्पी प्रश्न सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, बोधगम्यता और अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित है। और सेक्शन 2 में 30 बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, अंग्रेजी भाषा में 30 प्रश्न होंगे और हिंदी भाषा में 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको या तो अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न या तो हिंदी भाषा के 30 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादातर सही प्रश्न करना चाहिए। शुरू करते हैं। पहला खंड, पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की समकालिक परिभाषा में निम्नांकित में से कौन सा अध्ययन का केंद्र बिंदु नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, आत्मा। क्वेश्चन 2 है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय प्रात्यक्षिक अनुभवों के संगठन पर केंद्रित है? इसका सही जवाब है गेस्टाल्ट संप्रदाय, ऑप्शन 2, गेस्टाल्ट संप्रदाय। तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई मनोवैज्ञानिक प्रयोग एक ध्वनि अभेद्य कमरे में संपादित किया जा रहा है तो डैश को डैश विधि के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, अर्थात पहले डैश में तो कोलाहल, यहाँ पर कोलाहल भरा जाएगा और यहाँ पर निरसन विधि के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण प्राप्तांकों की काल अवधि में स्थिरता को इंगित करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। क्वेश्चन 5 है, अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली की कौन सी ग्रंथि को अधिपति ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पिट्यूटरी, अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि को अधिपति ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन 6 है, निम्नांकित में से कान के अंदर का कौन सा भाग शारीरिक मुद्राओं के परिवर्तनों की संवेदना के लिए जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है अर्धवृत्ताकार नलिका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 7 है, यह किसने प्रस्तावित किया था कि चूहे अप्रत्यक्ष अधिगम तथा उसका उपयोग करके किसी रास्ते का संज्ञानात्मक मानचित्र बनाने में सक्षम होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, टालमैन। क्वेश्चन 8 है, कार्यकारी स्मृति का संप्रत्यय किसने यह इंगित करते हुए प्रस्तावित किया था कि लघुकालिक स्मृति के अनेक घटक होते हैं जिन्हें निरंतर प्रवस्थित एवं रूपांतरित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बैडेली। क्वेश्चन 9 है, बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रोना, किलकिलाना, बलबलाना। क्वेश्चन 10 है, बुद्धि के प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, थर्स्टन। क्वेश्चन 11 है,
निम्नलिखित में से कौन सा मेधावी बच्चों का विशिष्ट लक्षण नहीं है? इसका सही जवाब पहला ऑप्शन अनुपालक मानसिकता। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविदलता के धनात्मक लक्षणों में सम्मिलित नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक भावों की कुंदता। क्वेश्चन 13 है, तर्कसंगत भावात्मक मनोचिकित्सा का प्रणेता कौन था? इसका प्रणेता अल्बर्ट एलिस थे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 14 है, सामाजिक सुगमीकरण का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में निष्पादन में वृद्धि होना। क्वेश्चन 15 है, एक डैश में एक में सदस्य बहुधा अनुपूरक कौशल वाले समान उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध अपने कार्यकलापों के लिए एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा उनके समन्वित प्रयास धनात्मक सक्रिया के प्रति अग्रसरित होते हैं। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन दल, एक दल में सदस्य बहुधा अनुपूरक कौशल वाले। क्वेश्चन 16 है, एक सख्त मुद्रा वह है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जिसकी मांग निरंतर उसकी पूर्ति से अधिक होती है। क्वेश्चन 17 है, अल्पकाल में एक फर्म व्यापार में बनी रहेगी यदि निम्न में से एक लागत पूरी हो जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, परिवर्तनशील लागत। क्वेश्चन 18 है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का ढाल होता है। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन दाहिनी ओर झुका हुआ। क्वेश्चन 19 है, राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से तादात्म्य रखता है? इसका सही जवाब पहला ऑप्शन बजटीय घाटा प्लस सरकारी बाजार उधार तथा अन्य देयताएं। क्वेश्चन 20 है, फिलिप्स वक्र किसके मध्य का संबंध स्थापित करता है? इसका सही जवाब पहला ऑप्शन मजदूरी दर एवं बेरोजगारी दर। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन नकदी रिजर्व अनुपात। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय के संबंध में सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पहला विकल्प एवं तीसरा दोनों। यह बाजार कीमत पर ANP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी के बराबर होता है। और तीसरा, यह साधन लागत पर GNP माइनस ह्रास दर के बराबर होता है। क्वेश्चन 23 है, संसाधनों के दक्ष आवंटन की संभावना है? उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण प्रतियोगिता में। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत ए मार्शल। क्वेश्चन 25 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, CSO के द्वारा। क्वेश्चन 26 है, सीमांत उपयोगिता बराबर होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में वृद्धि। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, AFC वक्र। क्वेश्चन 28 है, वित्तीय घाटा जिसमें ब्याज की अदायगी शामिल न हो को कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक घाटा। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय प्रमाप की विधि नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वित्तीय विधि। क्वेश्चन 30 है, पूर्णतः स्थानापन्न वस्तुओं के लिए तटस्थता वक्र होता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, सीधी रेखा। क्वेश्चन 31 है, हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, चनहुदड़ो तथा हड़प्पा। क्वेश्चन 32, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ऋषभदेव। क्वेश्चन 33 है, मेगास्थनीज किस देश से आया था? इसका सही जवाब ऑप्शन 3, यूनान। क्वेश्चन 34 है, अजंता गुफा भारत के किस प्रांत में अवस्थित है? इसका तीसरा विकल्प सही है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध राजा भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 36 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण राजतरंगिणी के लेखक थे, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 37 है, निम्न में से कौन 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के निर्माण से संबंधित है? कुतुबद्दीन ऐबक 2.5 दिन के झोपड़ा का नामक मस्जिद के निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन 38 है, दिल्ली सल्तनत काल में उलेमा का क्या अर्थ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, धार्मिक विद्वान। क्वेश्चन 39 है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। क्वेश्चन 40 है, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। क्वेश्चन 41 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो चौथा ऑप्शन सही है, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन 42 है, प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन 43, विवेकानंद किस संस्था से संबद्ध थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, रामकृष्ण मिशन से संबद्ध थे। क्वेश्चन 44 है, किस सुधारक ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन 45 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से किसने हानि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जे एस मिल ने हानि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन 47 है, भारत में सन 1975 में घोषित आपातकाल का समय लगभग था? इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, 19 महीने। क्वेश्चन 48, है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, लोक लेखा समिति, बी भारत के महालेखा परीक्षक, निम्न में से संसदीय समिति कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, केवल ए, लोक लेखा समिति संसदीय समिति है। क्वेश्चन 49 है, भारत की संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा नया संप्रत्यय है जो अन्य देशों में सामान्यतः नहीं पाया जाता है? तो शून्यकाल अन्य देशों में सामान्यतः नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से कौन वित्त विधेयक का प्रमाण पत्र देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 51 है, हमारे संविधान में किसी जाति को अनुसूची में रखने या बाहर निकालने की शक्ति निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, संसद के पास शक्ति नहीं थे। क्वेश्चन 52 है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस नाम के साथ संबद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 53 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, समानता का अधिकार। क्वेश्चन 54 है,
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने संपूर्ण राष्ट्र को विभाजित किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन दो, 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेशों में। क्वेश्चन 55 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन 56 है, भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक निम्न का अकाउंट नहीं ऑडिट करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, नगर निकाय। क्वेश्चन 57 है, संसद निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन 1, संसद की संप्रभुता। क्वेश्चन 58 है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। इसका सही जवाब है 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 59 है, न्यायपालिका के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका पहला कथन असत्य है, संसद से पारित प्रत्येक कानून को न्यायपालिका की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 60 है, एक व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ है, इन्हें किसी भी सदन में निर्वाचित होने की अधिकतम अवधि है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, 6 माह। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन जन्म पर आधारित है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, जाति। क्वेश्चन 62 है, कितने पुरुषार्थ हैं। तो इसका विकल्प 2 सही है, 4 पुरुषार्थ हैं। क्वेश्चन 63 है, भारत में कितनी जातियां और उपजातियां हैं। इसका सही जवाब है पहला, 5,000 से अधिक। क्वेश्चन 64 है, निम्नलिखित में से कौन एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जारवा। क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, थारू। क्वेश्चन 66 है, एक एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में कौन हिंदू विवाह की समस्या नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अंतर विवाह और बहिर्विवाह। क्वेश्चन 68 है, भारत में हिंदू लड़के के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 21 वर्ष। क्वेश्चन 69 है, भारत में आम चुनाव के लिए वोट देने की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है, 18 वर्ष। क्वेश्चन 70 है, किसने समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। क्वेश्चन 71 है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, बर्गेस। क्वेश्चन 72 है, समाजशास्त्री होता है, ऑप्शन 4 सही है, इसका एक वस्तुनिष्ठ जांच करता। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अभियंता। क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा। इसका विकल्प 2 सही है, 20। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से कौन आदिम धर्म की विशेषता नहीं है। इसका विकल्प 3 सही है, मंदिर। क्वेश्चन 76 है, कार्ला नाम दिया गया है एक, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ग्रह को। क्वेश्चन 77 है, सूर्य के बाद का कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
क्वेश्चन 78 है, हेडली सेल स्थित होती है, इसका विकल्प दो सही है, 0 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य। क्वेश्चन 79 है, काल काल सदैव स्थित होता है, इसका विकल्प एक सही है, 2 निम्न व 2 उच्च दाब पेटियों के मध्य। क्वेश्चन 80 है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में शीतकाल के प्रारंभ में वर्षा किसके कारण होती है, इसका विकल्प दो, उत्तर पूर्वी मानसून सही है। क्वेश्चन 81, पानी पंचायत एक आंदोलन है, विकल्प 3, जल जल संरक्षण हेतु। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का एक स्रोत नहीं है, इसका विकल्प 3, औद्योगिक प्रक्रियाएं सही है। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सर्वाधिक उत्तरदायी है, इसका विकल्प 4 सही है, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन 84 है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, इसका विकल्प 4 सही है, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 85 है, भारतीय संसद ने कब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, इसका विकल्प 4 सही है, 1986 में। 86 प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल पता कीजिए, इसका विकल्प 3 सही है, मोती संग्रहण। क्वेश्चन 87 है, कौन सा नगर असम का तेल नगर के नाम से जाना जाता है, इसका विकल्प 4 सही है, डिगबोई। क्वेश्चन 88 है, दक्षिण भारत में आईटी उद्योग के अवस्थित के पीछे प्रमुख कारण क्या है, इसका विकल्प 4 सही है, प्रशिक्षित मानव श्रम की उपलब्धता। क्वेश्चन 89 है, उत्तर पूर्व भारत में सूती वस्त्र उद्योग नहीं है क्योंकि वहाँ, इसका विकल्प 3 सही है, कच्चे माल की अनुपलब्धता है। क्वेश्चन 90 है, निम्नलिखित का सही मेल कीजिए, तो इसका विकल्प 3 सही है, ए का 4 मैंगनीज बालाघाट में जाएगा, बी का पहला तांबा खेताड़ी, सी का तीसरा बॉक्साइट मैकाल पहाड़ी, और डी का दूसरा लौह अयस्क मयूरभंज। क्वेश्चन 91 है, विश्व प्रसिद्ध मकई पेटी किस देश में है, इसका विकल्प 4 सही है, यूएसए, विश्व की प्रसिद्ध मकई पेटी यूएसए में है, कॉर्न बेल्ट। क्वेश्चन 92 है, विश्व का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक रबर का उच्चतम उत्पादक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन 93 है, जीबू एक नस्ल है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मवेशी की। क्वेश्चन 94 है, मैरिनो ऊन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लंबे रेशे वाला। क्वेश्चन 95 है, केला किस देश में नहीं उगाया जाता है, तो स्वीडन में केला नहीं उगाया जाता है। क्वेश्चन 96 है, गेहुआन सांप का जहर प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को गेहुआन सांप का जहर प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 97 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, ऑप्शन 2, केंद्रक। क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि विषाणुक नहीं है, तो कुष्ठ विषाणुक व्याधि नहीं है। क्वेश्चन 99, दात्र कोशिका सिकल सेल रक्त छिड़ता विकृति है, विकल्प 3, आरबीसी की। क्वेश्चन 100, ईईजी का प्रयोग किस नैदानिकी के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क के नैदानिकी के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 101, वंश एडीज संवाहक है, डेंगू का संवाहक है वंश एडीज। क्वेश्चन 102 है, शुक्राणु तथा
तथा डिम्ब के समीकरण को किस नाम से वर्णित किया जाता है? इसका विकल्प चार सही है, निषेचन। क्वेश्चन 103 है, कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा है? इसका विकल्प तीन सही है, आमाशय। क्वेश्चन 104 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है? इसका विकल्प दो सही है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। क्वेश्चन 105 है, लाइसोजाइम प्रति सूक्ष्म जीवी स्राव है? तो चार विकल्प चार, उपरोक्त सभी प्रति सूक्ष्म जीवी स्राव है, आंसू, लार, पॉलीसैकेराइड्स। क्वेश्चन 106 है, दांत का कठोरतम अवयव है? इसका विकल्प तीन सही है, दंतवल्क अर्थात इनामेल। क्वेश्चन 107 है, पित्त का निर्माण होता है? विकल्प चार, यकृत में, ग्लाइकोजन का भंडारण। क्वेश्चन 108, ग्लाइकोजन का भंडारण होता है? विकल्प चार, यकृत में। क्वेश्चन 109 है, भारत के दक्कन क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी या नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? इसका विकल्प तीन सही है, एक तथा दो, दोनों नर्मदा और ताप्ती दोनों। क्वेश्चन 110 है, लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है? इसका विकल्प दो सही है, वित्त मंत्री द्वारा। क्वेश्चन 111 है, भारत में किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। क्वेश्चन 112 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो विकल्प चार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन 113 है, इग्नू के अनन्य शिक्षा चैनल को कहा जाता है? ज्ञान दर्शन। प्रश्न 114 है, परिमेय बहुपद x घाते 4 माइनस 13x² प्लस 36 बटा के x³ माइनस x² माइनस 6x का सरलतम रूप है? इसका विकल्प दो सही है, x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 अपॉन x। क्वेश्चन 115 है, बीजी व्यंजक x⁴ माइनस 16 अपॉन x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x² माइनस 8 का गुणज प्रतिलोम है? इसका विकल्प एक सही है, 1/(x+2)। क्वेश्चन 116 है, एक स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे जिसमें ए तथा बी हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाते थे, सी तथा बी अंग्रेजी तथा भूगोल पढ़ाते थे, डी तथा ए गणित तथा हिंदी पढ़ाते थे, ई तथा बी इतिहास तथा फ्रेंच पढ़ाते थे। उन अध्यापकों में से कौन अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ाते थे? इसका विकल्प दो सही है, बी सबसे अधिक विषय पढ़ाते थे। क्वेश्चन 117 है, एक शहर में सभी सड़कें एक दूसरे के या तो समांतर हैं या लंबवत हैं, सभी सड़कें सीधी हैं। सड़कें ए बी सी डी तथा ई आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। सड़कें जी एच आई जे के एल तथा एम आपस में समांतर हैं। सड़क ए सड़क बी के पूर्व 1 किलोमीटर दूर है। सड़क बी सड़क सी के पश्चिम 1/2 किलोमीटर दूर है। सड़क डी सड़क ई के पश्चिम 1 किलोमीटर दूर है। सड़क जी सड़क एच के दक्षिण 1/2 किलोमीटर दूर है। सड़क आई सड़क जे के उत्तर 1 किलोमीटर दूर है। सड़क के सड़क एल के उत्तर 1/2 किलोमीटर दूर है। सड़क के सड़क एम के दक्षिण 1 किलोमीटर दूर है। यदि सड़क ई सड़कें बी तथा सी के बीच है तो ए तथा डी के बीच की दूरी होगी? इसका विकल्प दो सही है, 1 किलोमीटर। क्वेश्चन 118 है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की लड़की है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का लड़का है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है।
यदि जेड गुणे टी माइनस एस गुणे यू प्लस पी हो तो वी जेड का क्या है? तो इस यह प्रश्न कैंसिल हो गया है, इसका कोई विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन 19 है, अंग्रेजी के पांच शब्द स्पाइन, स्पाइनल, स्पाइनर, स्पाइनेट तथा स्पाइंडल दिए हुए हैं। यदि इन शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश में व्यवस्थित किया गया है तो कौन सा शब्द सबके बीच होगा? तो पहला विकल्प स्पाइन सबसे बीच में होगा। क्वेश्चन 120 है, गायों तथा मुर्गों के एक समूह में कुल पैरों की संख्या उनके सिरों के दोगुने से 14 अधिक है, गायों की संख्या क्या होगी? तो 7 गाय हैं, विकल्प 2। यहाँ से सेक्शन 2 यानी खंड 2 शुरू होता है। इसमें पहले इंग्लिश भाषा का 30 प्रश्न है, जिसको इंग्लिश से बीए करना होगा वो इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो जिन्हें हिंदी करना है वो क्वेश्चन नंबर 151 से आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 से 124 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन बोल्ड वर्ड। क्वेश्चन 121 124 तक बोल्ड वर्ड का मीनिंग बताना है। क्वेश्चन 21 है, 121 है, गोइंग थ्रू ओल्ड फोटोज एल्बम्स इज ऑलवेज अ नॉस्टैल्जिक एक्सरसाइज फॉर मी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सेंटिमेंटल। क्वेश्चन 122, डेथ इज इनएविटेबल बट दैट इज ऑल द मोर रीजन टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। इसका ऑप्शन 1 सही है, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल का मीनिंग होगा अनअवॉइडेबल। क्वेश्चन 123, हिज रेपुटेशन फॉर सार्कैज़म मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फिल्म क्रिटिक्स इन द बिजनेस। इसमें सार्कैज़म का मीनिंग बताना है, इसका पहला ऑप्शन सही है टॉन्टिंग। क्वेश्चन 124, अजीत इज टेकिंग केयर ऑफ द लॉजिस्टिक्स फॉर द पिकनिक दिस वीकेंड। इसमें लॉजिस्टिक्स का मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर 4, मैनेजमेंट। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 125 टू 128, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन बोल्ड वर्ड। इसमें बोल्ड वर्ड का अपोजिट बताना है। क्वेश्चन 125, द मर्डरर मैनेज टू अवॉइड इम्प्रिजनमेंट बाई बींग डायग्नोस्ड विथ इंसैनिटी, ही वॉज सेंट टू एन असाइलम इंस्टीट। इसमें इंसैनिटी का अपोजिट ऑप्शन नंबर 3, सेन होगा। क्वेश्चन 126, ही अराइव ड्रंक टू द रिसेप्शन एंड बिहेव्ड इन ए थोरोली डिस्पिसेबल मैनर विच कंपेल्ड अस टू हैव हिम रिमूव फ्रॉम द प्रीमिसेस। इसमें डिस्पिसेबल का अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट ऑप्शन नंबर 4, डिजायरेबल होगा। क्वेश्चन 127, द रिकन्सिलिएशन ऑफ माई सेल्स फिगर्स विद द कंपनीज बॉइल डाउन टू अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन एरर्स ऑन माई पार्ट। इसमें रिकन्सिलेशन का अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट होगा रिकन्सिलेशन का इस्टेंजमेंट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 128 है, ही हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर द यूज ऑफ ऑब्सोलीट एक्सप्रेशंस इन हिज राइटिंग्स रेंडरिंग हिज वर्क्स इनकम्प्रिहेंसिबल टू द प्रेजेंट जनरेशन। इसमें ऑब्सोलीट का अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट करेंट होगा, ऑप्शन नंबर 3, करेंट। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 129 टू 135, सेलेक्ट द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 129 से 135 तक ब्लैंक स्पेस में करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 129 है,
साहिल वाज नॉट ब्लैंक स्पेस बाय क्रिटिसिज्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, डिटर्ड। क्वेश्चन 130, देयर इज नो ग्लोरी इन वार ब्लैंक स्पेस टू द ब्लड इट शेड्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कंसीडरिंग। क्वेश्चन 131 है, ही वाज ब्लैंक स्पेस ऑफ प्लेइंग टाइट एंड लूज विद द सेंटिमेंट्स ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड्स। इसमें पहला ऑप्शन सही है, अक्यूज्ड। क्वेश्चन 132, द न्यू प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस स्ट्रेस ऑन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन ऑन एकेडमिक मैटर्स एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। इसमें ऑप्शन नंबर 3 लेड। क्वेश्चन नंबर 133, द ब्लैंक स्पेस वर्ड्स ऑफ द मदर कंफर्टेड द डिसअपॉइंटेड चाइल्ड। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सूदिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द ब्लैंक स्पेस बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिडक्शन ऑफ वांट्स। 134 में ऑप्शन नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन करेक्ट है। क्वेश्चन 135, टू ब्लैंक स्पेस योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ्स। इसमें ऑप्शन नंबर 4 प्रोटेक्ट करेक्ट है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 136 टू 140, द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स नंबर्ड 1, 2 एंड 3। वन ऑफ दीज कंटेंस एन एरर, सेलेक्ट द एररनेस पार्ट। इफ यू थिंक देयर इज नो एरर इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 4 विच इंडिकेट्स नो एरर। क्वेश्चन नंबर 136, 140 को सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से आपको जिस पार्ट में एरर लगे उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यदि किसी पार्ट में एरर ना मिले तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग फीलिंग द काज ऑफ विच नॉट फुली अंडरस्टूड ऑलवेज हैज़ द एफर्ट ऑफ मेकिंग द ह्यूमन बींग अनईजी। इसमें क्वेश्चन नंबर 136 में थर्ड ऑप्शन एरर है। क्वेश्चन 137 है, द न्यू लॉ इज टू स्ट्रिंजेंट, इट विल बी नेदर रेस्पेक्टेड और ओबेड। 137 में थर्ड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन 138 है, द ट्राइब्स मैन मेड ऑफरिंग टू प्लेसेट द गॉड्स होम दे बिलीव्ड वर एंग्री विथ देम। 138 में ऑप्शन 2 में एरर है। क्वेश्चन 139, द जनरल हैज रिपोर्टेड दैट एज ए रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स लेस सोल्जर्स वुड बी सेंट ऑन पीस कीपिंग मिशंस दिस ईयर। क्वेश्चन 139 में ऑप्शन 2 में एरर है। क्वेश्चन 140, अकॉर्डिंग टू ह्यूम इट इज नॉट लॉजिक एंड रीजनिंग दैट डिटरमाइन अवर एक्शंस बट इमोशंस। क्वेश्चन 140 में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 141 है, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन। इसमें अबोलिश नाउन नहीं है। क्वेश्चन 142, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी वांट वाटर, वी आर ब्लैंक स्पेस। इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, थर्स्टी। क्वेश्चन 143 है, फिल इन द ब्लैंक विद द बेस्ट कंजंक्शन, सी शुड वियर ब्लैंक स्पेस हर न्यू ब्लू ड्रेस और द वाइट लेस वन टू द पार्टी। क्वेश्चन 143 में ऑप्शन 1 करेक्ट है, आइदर। क्वेश्चन नंबर 144 टू 145, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स।
क्वेश्चन 144 145 तक दिए गए इडियम्स अर्थात मुहावरों का अर्थ बताना है। क्वेश्चन 144 हैंड्स डाउन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन टू इजली। क्वेश्चन 145 ऑल ग्रीक टू मी, 145 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर अनइंटेलिजिबल। क्वेश्चन 146 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द बिगिनिंग एट द एंड। 146 का करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट पैराडॉक्स। क्वेश्चन 147 चूज फ्रॉम द फोर ऑप्शन द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। क्वेश्चन 147 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थ्री फैटलिस्ट। क्वेश्चन 148 चूज फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन स्टेटमेंट इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच, आई विल पास द एग्जाम सी होप्ड। क्वेश्चन 148 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन टू सी होप्ड सी वुड पास द एग्जाम। क्वेश्चन 149 चूज फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन स्टेटमेंट इन टू द पैसिव वॉइस, ही ओपन्स द डोर। क्वेश्चन 149 का करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन द डोर इज ओपन्ड बाय हिम। क्वेश्चन 150 आइडेंटिफाई द डूअर ऑफ एक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मैकबेथ वॉज रिटन बाई शेक्सपियर। 150 करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन टू शेक्सपियर। अब यहाँ से सेक्शन टू का खंड दो का हिंदी भाषा का प्रश्न स्टार्ट होता है। हिंदी लेने वाले अभ्यर्थियों को क्वेश्चन 151 से 180 तक करना होगा। क्वेश्चन 151 है प्रश्न 151, महात्मा गांधी किस भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे? तो महात्मा गांधी हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे। क्वेश्चन 152 है भारत के किस राजनेता ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। क्वेश्चन 153 है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया? 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया। क्वेश्चन 154 है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? 154 का सही जवाब है ऑप्शन एक य। क्वेश्चन 155 है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? 155 का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीन संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन 156 निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन चार औद्योगीकरण सही है। क्वेश्चन 157 है वर्तनी की दृष्टि से कौन सही है? तो सन्यासी ऑप्शन दो सही है। क्वेश्चन 158 परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? परोपकार में गुण संधि का प्रयोग हुआ, ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन 159 है निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, वह कौन सा शब्द है बताइए? 159 का विकल्प चार तदुपरांत संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। क्वेश्चन 160 है निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? 160 में विकल्प तीन जादूगर प्रत्यय युक्त है। क्वेश्चन 161 है निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए, तो मुंह तद्भव शब्द है। क्वेश्चन 162 है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें उद्गम तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 163 है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 163 में तीन यमुना शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 164 है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 164 में विकल्प चार परिषद स्त्रीलिंग शब्द है।
क्वेश्चन 165 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में किस कारक का, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में से किस कारक का द्योतक है? तो से पहला ऑप्शन अपादान कारक का द्योतक है। क्वेश्चन 166 है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो सैव शब्द विशेषण शब्द है। क्वेश्चन 167 है, निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें अनल शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन दो। 168 है, महान वैज्ञान महान का विलोमार्थक शब्द है, महान का विलोमार्थक ऑप्शन चार क्षुद्र है। 169 विद्वान का सही स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग रूप है, विद्वान का स्त्रीलिंग ऑप्शन चार विदुषी है। 170 जानने की इच्छा रखने वाला इस अर्थ के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए, इसका सही शब्द है जिज्ञासु, ऑप्शन तीन जिज्ञासु। क्वेश्चन 171 है, विरोध करना अर्थ के लिए सही मुहावरा है, इसका ऑप्शन चार सही है सिर उठाना। 172 गाल बजाना का अर्थ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीन डींग हाकना। 173 क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक थे। क्वेश्चन 174 है, भारत भारती के रचनाकार हैं, ऑप्शन तीन मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। क्वेश्चन 175 है, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर बीजक के रचयिता ऑप्शन नंबर दो। क्वेश्चन 176 रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि के रचनाकार प्रेमचंद जी ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन 177 निम्न में से कामायनी किस की रचना किसने की है? तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। क्वेश्चन 178 है, निम्न में से फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो मैला आंचल फणीश्वर रेणु की रचना है। क्वेश्चन 179 है, विश्वात्मा में कौन सी संधि है? तो विश्वात्मा में दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर दो। क्वेश्चन 180 है, राजभाषा में कौन सा समास है? तो राजभाषा में ऑप्शन नंबर तीन तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार आपने BA सोशल साइंस की प्रवेश परीक्षा का पिछले वर्ष का पूरा प्रश्न पत्र देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अन्य प्रश्न पत्रों और जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।